हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयत अनायत एंटरप्राइजेस में। आज हम गणेशवाड़ी फेस वन में आए हैं हमारे माधव भाई का पोजीशन देने के लिए। हमारे माधव भाई का आज रूम का पोजीशन है, फोर्थ रूम इनका है हमारे फोर्थ स्टॉल में। आइए हम आपको उनके रूम के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ये हमारी फोर्थ रो है, यहाँ पे चाली के चेकर्स लादी पूरी कम्प्लीट हो चुकी है, एंड तक हो गई है। और देखो सामने से भी ढोलपुरी वगैरह पूरी कम्प्लीट हो गई है। और अभी हम लोग अभी माधव भाई के रूम को ओपन करेंगे और कुछ बाद में डिटेल्स भी मैं आपको शेयर करूंगा गणेशवाड़ी से रिलेटेड। हमारे कुछ कस्टमर बोल रहे थे कि काम बहुत स्लो चल रहा है, तो रमज़ान की वजह से ज़्यादा वीडियोस बनाई नहीं गई थी, इसलिए कस्टमर्स को लग रहा है कि काम स्लो चल रहा है। अभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे यूट्यूब पर हमारी। और अभी चलिए माधव भाई, ज़रा प्लीज़ आपका घर खोलिए, लोगों को बताइए आपको कैसा लगा आपका घर। खोलिए खोलिए खोलिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, घर खुल गया है इनका। ओके तो आइए आइए, अंदर चलिए अंदर चलिए जी। मैं कुछ बेसिक चीज़ों से आपको पहले स्टार्ट कर देता हूँ कि जो हम लोग घर के अंदर कुछ स्टैंडर्ड काम करते हैं, इन्होंने अपने घर में बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करवा करके लिया है। लाइक इन्होंने पहले तो सेफ्टी डोर जो स्टार्टिंग से आपको दिख रहा है, ये सेफ्टी डोर इन्होंने अपने कॉस्ट से इन्होंने देकर के लिया है। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि आप वीडियो में बताते नहीं हो एक्स्ट्रा काम क्या है। इन्होंने यहाँ पे 4x3 का हाफ शटर निकलवा करके लिया है अपने ओन पैसे से। इन्होंने बोला कि हमें ये फैसिलिटीज़ करके दीजिए घर में, तो हमने इनको शटर भी लगा करके दिया है। आगे आइए, हम आपको घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं और आपको अच्छा लगेगा वीडियो देख करके। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ अगर इसमें कुछ कमी होती है तो मुझे गाइड कीजिए, ठीक है। और आइए हम आपको रूम के बारे में दिखा देते हैं। ये माधव भाई का हॉल है, 10x10 का हॉल है। ये देखिए आपकी फ्लोरिंग टाइल्स आपके सामने कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, इन्होंने हमारी तरफ से 3 फीट टाइल्स रहती हैं। हम लोग ये ब्लैक पट्टी अपने ऑन साइड से कस्टमर्स को प्रोवाइड कर करके देते हैं, ठीक है। इनके ये हॉल की 3 फीट टाइल्स है, ज़रा इसके बारे में भी दिखा दीजिए। ओके फाइन, तो अभी हम कस्टमर्स के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स जो है आपके रूम के बारे में डिस्क्रिप्शन में हम आपको बता देते हैं। हमारे व्यूज़ देख लीजिए, ये कलर इन्होंने अपने ओन चॉइस से करवा के लिया है। इन्होंने बोला कि हमें ऑफ वाइट पूरे घर में चाहिए, एक नॉर्मल कूल कलर की कैटेगरी में आता है ऑफ वाइट कलर, ठीक है। तो अभी हम लोग आपको बता देते हैं कि जैसे इनकी पीवीसी सीट कलर लाइट पंखा इन्होंने खुद अपने से करवा करके लिया है। लाइट और फैन का कनेक्शन हम करके देते हैं, लाइट और फैन कस्टमर को खुद लगाना होता है। आप ज़रा इनको मेन स्विच और होल्डर वगैरह प्लीज़ दिखा दीजिए। यहाँ पे आपकी मेन स्विच मिल जाती है, जहाँ से आपको कंट्रोल मिल जाता है सारे लाइट्स का, फ़ैन का। हम फैन ऑन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक होल्डर का पॉइंट कस्टमर्स को दिया गया है और एक हम हॉल में टीवी का पॉइंट एडिशनल देते हैं कस्टमर्स को अपने साइड से। अभी हम चलते हैं माधव भाई के किचन की तरफ, आ जाइए। किचन में भी इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम करवा करके लिया है हमारी तरफ से। हम लोग किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर फुल टाइल्स देते हैं। हमारी तरफ से 7 फीट का किचन प्लेटफॉर्म ग्रीन मार्बल का कस्टमर को दिया जाता है। इन्होंने इसमें क्या किया है, 2 सेल्फ अपना एडिशनल सामान वगैरह रखने के लिए इन्होंने लगवा करके लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको किचन में अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इन्होंने यहाँ पर देख सकते हो आप कितना सारा स्पेस इनको मिल गया है अपने सामान वगैरह स्टोर करने के लिए। मैं आपको ज़रा किचन के स्पेस के बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पर इनकी फ्रिज आने का स्पेस यहाँ पर बन जाता है और इस कॉर्नर पर इन्होंने अगर वॉशिंग मशीन इनको रखनी है तो वॉशिंग मशीन के लिए भी प्लेस मिल जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं टॉयलेट बाथरूम की तरफ। ये इस तरफ हमारा जो है राइट हैंड के साइड में हमारा टॉयलेट है माधव भाई का। आप आ जाइए ज़रा टॉयलेट को, ज़रा प्लीज़ दिखा दीजिए कैसा है टॉयलेट बाथरूम में हम फुल टाइल्स देते हैं। ओके फाइन, अभी हम आपको बाथरूम दिखा देते हैं माधव भाई का। इन्होंने एक माइनर सा एक्स्ट्रा काम करवा करके लिया है। यहाँ पे ये जो स्टैंड आपको दिख रहा है टॉवल वगैरह रखने के लिए, माधव भाई ने अपना करवा करके ले लिया है। और ये यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम में अपना बाथरूम में सॉप वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे सॉप एंड शैम्पूज रखने के लिए इन्होंने अपना करवा के ले लिया। आइए हम आपको बेडरूम की तरफ लेकर के चलते हैं। ये 10x10 का माधव भाई का बेडरूम है। इसमें भी आप देख सकते हो कलर इन्होंने बहुत प्यारा कलर चूज करके लिया है। यहाँ पे इन्होंने सेल्फ भी अपना एक लगवा करके लिया है वगैरह अपना सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर एक इन्होंने रॉड लगवा करके लिया है कपड़े वगैरह टांगने के लिए,
ठीक है, हमने बेडरूम में भी एक टीवी का पॉइंट दिया है, आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ से उनको टीवी का ऑपरेटर मिल जाता है, यहाँ से वो टीवी ऑपरेट कर सकते हैं अपना बोर्ड की वजह से, और यहाँ पे आपको मेन बोर्ड मिल जाता है जिससे सारी लाइट और फैन को ऑपरेट आप कर सकते हो। ये हमारे रूम की डिस्क्रिप्शन हो गई जो हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। अभी हम चल के बात करते हैं हमारे माधव भाई से और उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं हमारे साथ जुड़ने के बाद उनको कैसा लगा। तो जैसा कि हमने आपको रूम के बारे में सारी चीज़ें दिखा दिया है, बता दिया है, अभी हम हमारे ट्रेडिशनल को फॉलो करते हुए, परंपरा को फॉलो करते हुए जिनका रूम है उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे कि उनको हमारे साथ जुड़ करके कैसा लगा। माधव भाई, आपने हमारे पास बुकिंग कैसे कराए थे? किसी की रेफरेंस से आपने हमारे पास बुकिंग कराए थे या फिर आपने यूट्यूब पर देख करके हमसे बुक कराया था? हम लोग यूट्यूब पर देख के करें, दो साल से यूट्यूब देखे। अच्छा, खूब अच्छे से यूट्यूब देखे, उसके बाद हम लोग अपने मर्जी से आए। अच्छा, उसके बाद हम लोग बुकिंग किए। आपने बुक किया तो आपने मतलब किसी से पूछा था कैसा है चीज़ें, कैसा है, फैम भाई के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आए? तो आप अगर हमारे व्यूवर्स को अगर ऐसे क्वेश्चन है, उनके मन में डाउट होता है कि ये सारी चीज़ें फेक हैं, गलत हैं, या हो सकता है कि इनके कस्टमर्स रहते हैं कहीं से भी पर्टिकुलर किसी को पकड़ के ऐसा वीडियोस जनरेट करके दे देते हैं कस्टमर्स के बीच में, तो ये पूरा आपको ऐसा लगता है कि एथिक्स? आपको हमारे साथ जुड़ करके कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा लगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिला हमारी सर्विस से, हमारे काम से? नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला? आप तो संतुष्ट नहीं है हमारे काम से? नहीं, मुझे घर पसंद लगा, घर पसंद लगा, मेरे पसंद के सारा काम हुआ। बहुत दो साल से देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो जैसा हम हर वीडियो में बोलते हैं कि हम कस्टमर के चॉइस के हिसाब से घर बना करके देते हैं, तो क्या ये घर आपके चॉइस के हिसाब से? अच्छा था, आपके चॉइस से अच्छा है, जो आपने चॉइस किया वो भी अच्छा है। ठीक है ठीक है, आपके आपके शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपको मतलब एकदम अच्छा लगा, आप हमारे कस्टमर्स को क्या बोलना चाहेंगे, हमारे पास बुकिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, करना चाहिए। और एक क्वेश्चन और था मेरा आपसे कि आपने पेमेंट कैसा दिया, वन शॉट दिया, किस्तों में दिया, बाकी पैसे आप कैसा देने वाले हो? चेक दे करके गए थे, उसके बाद अभी बाकी पैसा आप कैसा, किस्त के हिसाब से देने वाले हो या वन शॉट देने वाले हो? किस्त के हिसाब से देने वाले हो आप? तो बाकी कस्टमर्स जो ऐसा डरते हैं कि हम इनको पैसे ऐसे ऐसे देंगे, पैसे के बारे में उनको फिक्र होती होना रहे, उनके पैसों के बारे में, तो आप उनके बारे में क्या कहोगे उनको कि नहीं, उनको फिक्र लेनी भरोसा, चाहिए? भरोसा है, ऐसी बात नहीं है जी, भरोसा बहुत है, भरोसा, इसीलिए हम लोग रूम लिए हैं। ओके ओके, बाकी आपने जांच पड़ताल किए थे कि जगह कैसी है, फहीम भाई कैसे हैं, ये जांच पड़ताल आपने किए, आप संतुष्ट हैं उन सारी चीजों से, सारी भावनाओं आपकी, मतलब आपको किसी भी चीज़ से अगर प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कैमरे के सामने हैं तो आपका ऐसा दबाव है, आपके नहीं, 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 ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हो, ऐसा ठीक है, उसको हम फाइनल बताएंगे, जब भी आएगा फाइनल करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं कि ये चीज़ चीट है, फ्रॉड है, तो अगर जिसको भी लेना है, देखो हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, जिस इंसान को जिस चीज़ों के बारे में अच्छी चीज़ें देखनी होती है वो अच्छी चीज़ों के बारे में देखता है, जिसको नेगेटिव चीज़ें देखनी होती है वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है। इन केस अगर कोई ऐसा है जो इसके प्रोस्पेक्टिव है, जिसका थॉट है कि भाई हमें घर लेना है, घर बनाना है, वो कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट्स दे करके डर जाता है, सहम सा जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे बहुत सारे नंबर दिए रहते हैं, आप उनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर करके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, आप उसको सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आपके मन में डाउट्स है तो हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे आपके मन के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। पेमेंट रिलेटेड, लैंड रिलेटेड, हमारे पास सारी ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और आपको जो भी अगर क्वेश्चन रहते हैं, क्वेरी रहती है, तो आप प्लीज़ हमें हमारे तक पहुँचाइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। ओके, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको घर कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। और माधव भाई और इनकी वाइफ के लिए ज़रा आप लोग शुक्रिया कीजिए, इनको धन्यवाद दीजिए, उनको घर घर की शुभकामनाएं दीजिए, मुबारकबाद दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और आपको रेगुलर वीडियोज मिलते रहेंगी अभी।